हाई गाइज़ वालेकुम कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरोफियत से होंगे और वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे तो अगर तो मेरी ऑडियंस या मेरी रिलेटिव जो हैं गाड़ी देख के ये कहेंगे ये गरीब नहीं करोड़ की गाड़ी में क्या कर रही है <laughs> तो इसकी मैं स्टोरी आपको आगे जा के बताऊँगी ये गाड़ी क्यों है क्यों इस गाड़ी के अंदर मैं बैठी हुई हूँ तो वैसे तो अल्लाह का शुक्र है कि कोई ऐसा सीन नहीं है कि वो क्या कहते हैं उसको इतने भी बुरे हालात से नहीं गुजर रहे कि हम गाड़ी में ना बैठ सकें तो क्योंकि ये मैं आगे आग जा आपको बताती इसके लिए तो आपको वीडियो देखनी पड़ेगी ठीक है अभी बता दूँगी तो राज अफ हो जाएगा अच्छा ये जो पॉइंट मैं पीछे आपको बर्गर किंग वाला दिखा रही थी ना ये आ, मेरी लाइफ की मेमोरीज इससे जुड़ी हैं मैंने जो जर्मनी में आके फर्स्ट आ, शेक पिया था ना मैं कहती हूँ पाकिस्तान से बाहर कभी भी तो वो मैंने इस जगह से पिया था और जो फ़र्स्ट मैंने सफ़र किया था यहाँ बर्लिन मैंने देखा था एक तो वो था दिन जिस दिन मैं आई थी उसके बाद क्योंकि उस टाइम क्वारंटीन का टाइम था तो जो मैंने फ़र्स्ट टाइम वो सफ़र किया था ना वो इस जगह से था तो इसलिए जब मैं उस जगह पे जाती हूँ ना तो मुझे वो सारे दिन याद आ जाते हैं तो इसलिए ए, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ और दूसरी बात यह है कि अभी हम जा रहे हैं जुम्मा पढ़ने के लिए तो इस टाइम टाइम जो है हम अपनी मस्जिद की तरफ जा रहे हैं तो मस्जिद में आपके साथ नहीं शेयर करूँगी क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आ, मस्जिद एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे जाके सिर्फ़ अल्लाह को याद करना चाहिए ना कि किसी भी सोशल एक्टिविटी में मुलवस होना चाहिए तो इसलिए मैं आपके साथ वो बिल्कुल शेयर नहीं करूँगी अभी रास्ते में आ तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ी आपसे बातें कर ली जाएँ तो जी ये गाड़ी जो है इसकी तो कहानी आपको मैं बता दूँ <laughs> जो लोग तजस तो में होंगे ये गाड़ी में क्या कर रही है एक्चुअली सीन ये है कि मेरे हस्बैंड की जो है ना टिकट वो टोटली फ्री है उनकी कंपनी की तरफ से तो जो मेरी टिकट है ना वो भी वैसे छियासी यूरो की आती है आम लोगों के लिए लेकिन मुझे जो है इनकी कंपनी की वजह से पच्चीस यूरो में टिकट पड़ती है पूरे महीने की ना तो मैं जितना मर्जी सफ़र करूँ वो मेरा फ्री है और इधर है बर्लिन में तीन एरियाज़ ए बी और सी ए है शहर का सिटी सेंटर कह लें और उससे करीब करीब का एरिया और जो बी एरिया है वो उससे थोड़ा सा बाहर का एरिया आ जाता है चारों तरफ से और जो सी एरिया है वो टोटली बाहर का एरिया आ जाता है उसमें साथ वाला सूबा भी आ जाता है तो साथ उसमें हमने कोई ख़ास जाना नहीं होता हमारी कज़न रहती है उधर तो लेकिन ये कि उसके पास कौन सा हम रोज़ जा रहे होते हैं तो जाहिर सी बात है तीन चार महीने बाद चक्कर लगता है तीन के महीने बाद वो स्टडी पे हैं दोनों मियाँ बीवी तो जाहिर सी बात है वो जॉब भी करते हैं इतना टाइम नहीं होता उनके पास तो क्या हम जा उनको बेचारा को तंग करें तो इसलिए जो है वो जब उनके पास हमने जाना होता है हम तब टिकट लेते ले हैं तो इस वजह से जो है हम गाड़ी खरीदते ही नहीं है हमें गाड़ी की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि इधर हर जगह पे जो है बड़े पूरे ज, जर्मनी में आई थिंक पूरे यूरोप में या पूरी दुनिया में पाकिस्तान से बाई हर जगह पे जो है ना पेड है पार्किंग तो और फिर पार्किंग ढूंढनी पड़ती है आपको शहर में जा तो अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें वैसे तो बर्लिन का ट्रांसपोर्ट जो है इतनी अच्छी है इतनी अच्छी है कि आपको जरूरत नहीं पड़ती तो हर जगह पे आप एक्सेसिबल है ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट से तो इसलिए हमें ज़रूरत नहीं पड़ती इसलिए भी हम जो है ये नहीं लेते तो इसलिए हम गाड़ी लेने का कभी कभी सोचे भी तो हम कहते हैं दफ़ा करो क्या करनी है तो अब मस्जिद आ गई है करीब अब जाते हैं दुआ पढ़ने के लिए तो जुम्मे की बात होती है मुलाकात तो जी जनाब जुमा पढ़ लिया है अब हम साहब के आने गाड़ी में इंतजार करते हैं तो ला इलाहा ला इलाहा चलो जी आ गए तो अब हम चलते हैं अपने सफर की तरफ ये घर चेक करे आप कितना खूबसूरत और कितना जबरदस्त लग रहा है तकरीबन कोई सौ साल से भी ये ज्यादा पुराना है लेकिन कितना ज़बरदस्त बना हुआ ना जैसे वो मूवीज़ में देखते थे वैसे का कर रहा है तो अच्छा जी गाड़ी की कहानी मैं आपको सुना दूँ जो लोग अभी तक तजस में हों <laughs> तो कि ये एक तो कह रही है कि इधर की वो बहुत अच्छी है दूसरा ये कह रही है कि गाड़ी क्यों ली है तो गाड़ी का सीन ये है कि ये हस्बैंड जो हैं ये इनकी दोस्त की शादी आ रही है तो ये सारे फ्रेंड्स जा रहे हैं शादी पे साथ उन्होंने थोड़ा घूमना फिरना है तो उसके लिए इधर ना आपको मतलब गाड़ी मिल जाती है रेंट पे रेंट एक कार है तो आप ऑनलाइन इसकी बुक करते हो और अपना डीजल वगैरह डालते हो या किलोमीटर के हिसाब से कुछ कंपनीज ऑफ़र करती हैं तो आप उस पर जो है जो गाड़ी बुक कर लेते हो और फिर अपना सफ़र करते हो और उसके फिर बाद वापस आते हो और आ गाड़ी वापस कर देते हो और अपनी स्कूल की ज़िंदगी वैसे ही रूटीन की लाइफ इंजॉय करते हो तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादा बेस्ट चीज़ आ जाती है ये बड़ी अच्छी चीज़ है हमने कभी भी कोई इस तरह का हो कि जैसे ईद का दिन है तो हमारी फैमिली ज़्यादा है हम ग्रिल वगैरह पे जा रहे हैं या इस तरह तो मतलब बच्चों वगैरह के साथ अगर कभी जाना पड़ा है तो हम कर लेते हैं तो बाकी ये देखें ये इतनी ज़बरदस्त सस्ते में थी ये उसकी पेंटिंग माँ और बच्चे की मुझे इतनी अच्छी लगी मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ इसलिए मैंने इसकी फ़ोटो बना ली तो अच्छा गाड़ी के मैं ये बता रही थी तो इसलिए इन्होंने ये गाड़ी ली है तीन चार दिन के लिए तो ये वापस आएंगे और फिर वापस कर देंगे तो क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी टिकट है तो क्योंकि इधर ये सीन है जर्मनी में बाकी मुल्कों का मुझे नहीं पता जर्मनी का ये सीन है कि हर दो साल के बाद ना आपको मेंटेनेंस मेंटेनेंस नहीं कह लें आप इसको ये कह लें कि आपको उसका फिटनेस सर्टिफिकेट गाड़ी का लेना पड़ता है ठीक है कि उसके अंदर एबीएस ब्रेक्स हैं उसके अंदर वो हैं क्या कहते हैं उसको एयरबैग्स हैं और वो जितनी लाइफ सेविंग चीज़ें होती हैं ना वो सारी अंदर मस्ट होनी चाहिए और काम करती होनी चाहिए इवन उसके अलावा भी अगर आपको कभी भी पुलिस किसी से टीट पर चेक कर ले कहीं पर भी चेक कर ले तो आपकी गाड़ी में पूरी वो सारी टूल किट होनी चाहिए वो सारी और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिसमें फ़र्स्ट एड किट ये वो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें जो नसेसरी आइटम्स होती हैं ना इवन आपकी जैकेट जो है वो होनी चाहिए वो जैसे कि वो इन्होंने पहनी होती है ना वेस्ट वो अगर आपको गाड़ी ख़राब हो गई कुछ भी तो आप उसको पहन के खड़े हो जाएं हेल्प के लिए ये वो इस तरह का काफ़ी सारे इधर के रूल्स हैं तो वो सही चीज़ें कर, मतलब गाड़ी में होनी चाहिए वो तो एक नॉर्मल चीज़ है ना तो लेकिन ये कि हर दो साल के बाद आपको उसमें आपका फिटनेस सर्टिफिकेट लेना पड़ता है फिर हर मंथ आपकी उसको उसकी इंश्योरेंस पे करनी पड़ती है फिर जैसे आजकल आपको पता है पूरी दुनिया में एनर्जी क्राइसिस चल रहा है तो वो सारी चीज़ें ना तो वो एक फ़ालतू का एक्स्ट्रा खर्चा होता है और फिर हस्बैंड की ड्यूटी इस तरह की होती है कि वो छुट्टी कहीं पे हो रही होती है ड्यूटी कहीं से स्टार्ट हो रही होती है तो इसलिए हमें बिल्कुल भी इसकी कोई खास ज़रूरत नहीं आती वैसे भी अभी हम लोग ना सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है गाड़ी लेने की ना लेने की वो ये है कि अगर गाड़ी ले लेना बंदा तो फिर बहुत से गाड़ी वाले लोग मेरे साथ ये इतफाक़ करेंगे कि जब बंदा गाड़ी ले, ले लेता है ना तो फिर वो हडर आराम हो जाता है वो चलना पसंद नहीं करता तो हम दोनों जो हैं वो चलने को प्रेफर करते हैं तो इसलिए भी हम जानबूझ के गाड़ी नहीं लेते कि फिर हम जो है वो बहुत लेज़ी हो जाएंगे अभी तो ये है कि हम कोई किलोमीटर कोई पाँच सौ मीटर चल लेते हैं तब तो हम ये भी नहीं चलेंगे तो फैल जाएंगे तो फिर इधर का मौसम इस तरह गया है कि इधर आपको पसीना सीना तो आता ही नहीं है तो इसलिए आप जो हैं वो फैलेंगे ही सुखड़ेंगे नहीं तो सूखने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी तो जी अब जैसे आपने थोड़ा सा पीछे झलक देखी होगी ये जी है चाइनीज़ मार्केट हम जा रहे हैं इसके अंदर तो ये है इधर का डोंग जोन सेंटर तो ये चाइनीज़ की मार्केट है और इसके अंदर चाइनीज़ वियतनाम अफग़ानी इंडियन पाकिस्तानी मार्केट काफ़ी सारी शॉप्स हैं ना और आप उसमें यह है कि आप उसमें शॉपिंग कर सकते हैं हर तरह की चीज़ें बाई कर सकते हैं तो ये देखें जैसे अभी आप तो ये इतने बड़े बड़े ये इसमें वो मार्कियाँ सी बनी होती हैं और उसके अंदर इतनी बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं तो अभी मैं आपको अंदर भी लेके जाऊंगी तो अंदर जाके आपको ऐसे ही लगेगा कि जैसे आप पाकिस्तान में आ गए हो ना यहाँ अगर इंडिया से हो तो आप इंडिया में आ गए हो मतलब जिस कंट्री से आप वो एशिया साइड के जो भी लोग हैं ना वो मेरे साथ इस चीज़ पर वो करेंगे जो मेरी बात ज़ुबान समझ रहे हैं तो वो आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे आप अपने मुल्क में आ गए हो तो इधर ये कि ये एक होल सेल मार्केट आप इसको कह सकते हो इधर काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो जैसे हमारे इंडियन पाकिस्तानी जो सामान होता है आटा चावल और हमारे मसाले वगैरह वो इधर काफ़ी मुनासिब रेट पे मिलते हैं जैसे अगर वो बाहर दूसरी मार्केट्स में एक यूरो बीस सेंट चार साठ सेंट के मिल रहे हैं तो इधर मोस्टली जो है ना वो छोटी पैकिंग के जो आते हैं वो नाइन्टी नाइन सेंट के मिल रहे होते हैं तो तकरीबन बीस चालीस सेंट का फ़र्क़ पड़ जाता है तो कभी कभी किसी दुकान से आपको पचास सेंट का भी फ़र्क पड़ जाता है तो वैसे भी आटा और चावल और जो रोटी पकाने के लिए जो चूल्हा होता है ना डिस्पो वो तो नहीं है मोबाइल स्टोव कह लें उसको या जो कैंपिंग स्टोव होता है तो वो इधर मोस्टली घरों में यूज़ होता है तो उसकी गैस भी इधर से ही मिलती है फिर इधर से ये कि हम वो उसका पूरे का पूरा बॉक्स ले जाते हैं तो वो हमारे दो तीन चार महीने आराम से अच्छे गुजर जाते हैं तो अब हम इधर आए थे इधर से हमने लिया कुछ सामान तो इधर से ये है कि ये बहुत बड़े बड़े हॉल हैं तो इधर हम आते हैं कुछ चार छह महीने के बाद या तीन महीने के बाद वैसे भी हम पाकिस्तानी सामान लेने जब भी आप जाते हैं मेरी अगर वीडियो में देखेंगे ना तो आप देखेंगे कि ये दो दो किलो के पैकेट लेके आई हुई होती है तो उसका यही फायदा होता है कि आपको ना रोज रोज खज्जल खुआ नहीं करनी पड़ती अब दो तीन महीने का इकट्ठा सामान ले आते हो तो फिर उसके हिसाब से जाते हो अब आप, आप ये देखें ये जैसे मैंने आपको पीछे मार्केट का दिखा रही बता रही थी तो ये बिल्कुल ऐसे ही है ये देखें अफ़गानी सूट वो पठानों वाले लटके हुए तो इधर बिल्कुल पाकिस्तानी माहौल आपको नज़र आता है इवन आपको कई दफ़ा ये भी हो सकता है आपके साथ कि आपको उर्दू बोलने वाले भी इधर आम नजर आएंगे तो इधर ये है कि आप अपने उसमें मौजों में नहीं जा सकते तो ऐसे करके कुछ इधर का सिस्टम है ये सारा ना इधर ये पाकिस्तान अफ़गानी एक शॉप थी तो उस पर आलू वाला नान था और वैसे भी नान वगैरह थे और उनके अफ़गानियों के काफ़ी सारी चीज़ें थी मिठ मिठाइयाँ और ये वो तो हमने वो ट्राई किया मज़ा आया तो अब हम इधर से जा रहे हैं एक और पाकिस्तानी दुकान पे हमने सोचा कि गाड़ी है तो क्यों ना आज साथ, साथ लॉन्ग ड्राइव करें साथ साथ ज़रा शहर की गर्दोरी करें हारा <laughs> गर्दी करें तो आपका आज मेरे काफ़ी सारे लफ्ज जो है ना वो अजीबो गरीब भी लाग सकते हैं तो उसके लिए माजरत तो मैं थोड़ी फन वे में बनाना चाह रही थी वीडियो तो अब मैंने हस्बैंड साहब को कहा कि आप इधर से ही सारा सामान ले लें तो उनको ये इधर ज़्यादा खपना पड़ेगा तो गाड़ी हाथ आई हुई है तो चलो कोई बात नहीं मैं फिर ले आऊँगा ये करूँगा तो मैंने कहा कि नहीं आप जब घर से निकलेंगे तो फिर सारा सामान ले कर निकलें फिर रमज़ान में जाएंगे तो, तो क्योंकि हमारा जो मेन चीज़ टारगेट था ना हमारा आटा और गैस थी तो बाकी सामान तो हमारा इतना पड़ा होता है कि हम दो तीन महीने बगैर उसके ख़रीदो फरोख्त के गुजारा कर लेते हैं पाकिस्तानी शॉपिंग ना तो वो मैंने इनको बोला कि आटा ख़त्म हो गया तो इसलिए आटा ले आते हैं तो ये देखें ये सारी चीज़ें मेरे घर के पास है अब हम ऑलमोस्ट अपने घर के पास पहुंच चुके हैं तो अभी हम जा रहे हैं वो दूसरी पाकिस्तानी शॉप की तरफ आज हमने बहुत सारी इंडियन पाकिस्तानी शॉप्स का विजिट किया है और आगे भी आपको वीडियो में नजर आएगा तो अभी हम जा रहे हैं उस पर तो ये कहते हैं अच्छा ये वो घर के पास है तो ये है कि ये जो डोंग जॉन्ग सेंटर है ना इसमें शायद गोश्त नहीं मिलता आई थिंक सो तो हमने सोचा कि हम इस शॉप की तरफ चलते हैं ये हमारे घर के पास है फ़रानी शॉप है तो इधर से ले जाएंगे तो अभी उधर जाके देखते हैं क्या सीन बनता है तो ये देखें इधर इतना मुझे मज़े का सीन लगा कि ये ये अभी ना अभी मार्च का महीना है तो इसने वो पत्ते निकल रहे हैं तो इसलिए आपको इसकी एक अलग ही खूबसूरती नज़र आ रही है लेकिन गर्मियों में ये ग्रीन ग्रीन बड़ा ज़बरदस्त लगता है और बड़ा मज़े का और ख़ास तौर पर बारिश के बाद तो और बर्फ़बारी के बाद तो इसका अपना ही एक माहौल बना होता है तो बड़ा ज़बरदस्त लगता है और ये देखें ये जी डी एच एल इसका मुझे लगता है ये हेड क्वार्टर था ये काफ़ी बड़ी इसकी थी तो मैंने सोचा ये आपके साथ शेयर करूं बहुत बड़ी बिल्डिंग थी ये ये मैं आपको थोड़े वाइड एंगल में दिखा रही हूँ इसलिए आपको छोटी भी लग सकती है <laughs> तो ये थी कुछ इस तरह और इस पॉइंट पर आके भी लोग काफ़ी लंबा हो गया मैं वह यूजली कोशिश करती हूँ कि दस मिनट से लंबी वीडियो ना बनाऊँ तो अब हम ऑलमोस्ट पहुंच गए ये है जी आज का हमारा सेकेंड स्टॉप थर्ड स्टॉप कहेंगे पहला तो मस्जिद था दूसरा हमारा चाइनीज़ टाउन था तो तीसरा ये है अफगानी शॉप तो इस पे हम आए हैं तो इधर से थोड़ी सी करते हैं शॉपिंग साथ में आपको दिखाती हूँ किधर पाकिस्तानी जो हैं शॉप्स कैसे की होती हैं कैसी नहीं होती तो आप ज़रूर अपनी कमेंट कीजिएगा तो बाकी ये किधर हर चीज़ मिल जाती है इंडियन पाकिस्तानी हर तरह की चीज़ इधर की पाकिस्तानी शॉप से मिल जाती है तो आपको इवनकाश एक ऐसी चीज़ होती है जो कहते हैं कि वो जो है इम्पोर्ट नहीं हो सकती मैंने सुना था कभी तो वो भी यहाँ से मिल जाती इवन पंसारी की आइटम्स भी मिल जाती हैं हाय भिंडियाँ कितनी अच्छी आई हुई हैं आज तो मेरा दिल है भिंडियाँ ही उठा के ले जाऊँ आपको अगर लगे ये पाकिस्तानी भिंडियों की तनाव बिल्कुल फ्रेश नहीं है तो हम गरीबों को इतनी ही फ्रेश सब्जी मिलती है गैर मुल्क में रहते हुए तो इसलिए हम इसके ऊपर बहुत खुश हो जाते हैं जब इसमें भिंडियाँ देखते हैं कि हाय हमारी पाकिस्तानी सब्जी इतनी अच्छी आई हुई है ताज़ा बताज़ा तो हम जल्दी से उसको जो है ना स्म, वो अपने घर में स्मगल कर लेते हैं तो इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें मैंने क्या ख़रीदा क्या नहीं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी और इस ये डे अभी इधर ख़त्म नहीं हुआ ये नेक्स्ट वीडियो से हम इधर से ही कंटिन्यू करेंगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़